गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज क्या है, आपका क्लास साइंस चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम जानेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं सजातीय श्रेणी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड इट्स होमोलॉगस सीरीज। तो बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक हुआ, पहले आप यह समझ लीजिए। आज बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के लगभग जो कार्बनिक यौगिक है उनकी जो संख्या है लगभग 10 से 15 लाख हो चुकी है। कितना? 10 से 15 लाख कार्बनिक यौगिक है। तो बताइए, इन कार्बनिक यौगिकों को याद करना आपके लिए क्या है? बहुत ही कठिन है। इसलिए बच्चों क्या होगा है, इनको अलग अलग तरीके से इनके बांड के आधार पर, इनके और गुण के आधार पर इनको क्या किया गया, अगर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आप जानेंगे कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। चलो बच्चों, हम पहले जानते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। देखिए बच्चों, आपकी जो सजातीय श्रेणी की डिफिनेशन है वो बोर्ड पे लिखा गया है, तो पहले चलिए इसको पढ़ते हैं। तो क्या कहा गया बच्चों, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के समूह स्थापित करता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, या सजातीय श्रेणी भी आप कह सकते हैं। यदि आपसे सजातीय पूछे या सजातीय पूछे तो आप ये डिफिनेशन बताएंगे कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के समूह को स्थापित करता है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई सजातीय श्रेणी है तो मान लीजिए जो पहली श्रेणी होगा उसके बाद जो दूसरी श्रेणी आएगा, तो पहली और दूसरी श्रेणी में जो अंतर होगा वह कितने का होगा, CH2 का होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो एल्केन होता है, क्या एल्केन जिसका सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2। अब यहाँ देखिए बच्चों CnH2n क्या है, एल्केन है, और एल्केन जो होता है आपका सजातीय श्रेणी का क्या है, एक सदस्य। अब चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें CH2 का अंतर आता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम n का मान कितना रखते हैं, एक रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, C1 × x, और यहाँ दो भी एक का बुला हुआ +2। देखिए बच्चों C 2 × 2 और दो यहाँ 4, यानी क्या हो जाएगा C1H4। तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे CH4। अब देखिए अगर यहाँ एन का मान हम कितना रखे, यानी अगर हम एक रखते हैं तो हमको मिला है CH4, और अगर हम दो रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा C2, और यहाँ हमारा हो जाएगा 2 × 2 + 2, यानी C2 और 2 × 2 = 4 और 2 × 6, यानी क्या हो जाएगा C2H6। अब देखिए बच्चों, अगर हम C3 रखते हैं, यहाँ का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा C3, और यहाँ हो जाएगा 3 × 6 + 2 = 7, यानी H7, C3H7। अब देखिए बच्चों, इसको हम डिफिनेशन जो है पहले इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यानी अब देखिए आपका CH4 है, यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, और C2H6 यह आपका दूसरा सदस्य है, और C3H यहां में चौथा मिस्टेक हुआ है, 3 × 6 = 2 = 8 होगा। तो अब देखिए बच्चों, आपसे क्या कहा गया कि आपके जो सजातीय श्रेणी होते हैं उसमें प्रत्येक जो आपका सजातीय श्रेणी का तत्व होता है उसमें CH2 का अंतर होता है। देखिए अब यहाँ बच्चों आपका क्या है, CH4 है, और यहाँ क्या है C2H6, यानी यह एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व है, यह आपका क्या है, दूसरा तत्व है। अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो दो कार्बन में से एक कार्बन जाएगा, कितना बचेगा, एक कार्बन, और यहाँ देखिए 6 हाइड्रोजन है, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो देखिए आपका CH2 का अंतर है कि नहीं। इसी प्रकार देखिए यहाँ सी
क्या है, एल्केन श्रेणी के तीसरे तत्व में से अगर हम दूसरे को घटाते हैं तो यहाँ तीन कार्बन है, यहाँ दो, तो तीन में से दो जाएगा हमारा, एक कार्बन बचेगा। और यह आठ हाइड्रोजन है और आठ में से छह जाएगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा। यह बच्चों आपको याद रखना है कि यह सजाती श्रेणी का क्या होता है, एक विशेषता होता है कि यदि आपके पास कोई सजाती श्रेणी लिखी गई है, एक या दो श्रेणियां आपसे कही जाए चेक करने के, तो आप देखेंगे कि उनमें जो अंतर होता है वह कितने का होता है, वह सी एच टू का क्या होता है, अंतर होता है। तो बच्चों आप जाने कि कार्बनिक सजाती श्रेणी क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, यदि मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें जो हाइड्रोजन स्थित है वह एक ही प्रकार के समूह को अगर वह स्थापित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों चलिए आप जाने सजाती श्रेणी के बाद अब आते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कार्बनिक जो यौगिक है इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, अब हम इसको देखते हैं। तो बच्चों आपका जो कार्बनिक यौगिक है इसको पहले दो भागों में बांटा जाता है, कार्बनिक यौगिक को पहले बच्चों हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा एक आता है एलिफैटिक और दूसरा हमारा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक, तो बच्चों हम इसको कह सकते हैं यौगिक जो होता है बनाता है, यानी बच्चों आपका जो कार्बनिक यौगिक होता है पहले इसको दो भागों में बांटा जाता है, किसमें किसमें, हमारा एक होता है नंबर एक एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो आता है हमारा वो होता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। तो बच्चों पहले आप समझिए एलिफैटिक क्या होता है, तो बच्चों जो आपका एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक होता है उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वह आपका जो होता है वह खुला होता है, यानी मान लीजिए आपके पास अगर इस तरीके से कोई कार्बनिक यौगिक लिखा गया है CH2 CH2 CH3। अब देखिए बच्चों यहाँ जो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है वह पूरे तरीके से आपका क्या है, खुला हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या इसमें शाखा भी निकल जाए तब भी वह आपका क्या होता है, एलिफैटिक ही होता, या पूरे तरीके से आपका बंद नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपके यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वे सभी यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधी अथवा शाखायुक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं उसे हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए बच्चों कहने का मतलब यह है जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बांड बन रहा है, जो आपका तीन हाइड्रोजन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम देखिए कार्बन तीन हाइड्रोजन है तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा इस कार्बन के साथ दो जुड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ हमारा तीन हाइड्रोजन को है इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है इनके बीच कोई भी बांड नहीं काम कर रहा, और यहाँ आपस में क्या है खुले हुए है ना, यहाँ पे हमारा कोई हाइड्रोजन के बीच बांड लगा हुआ है, क्या पूरे तरीके से खुले हुए है। तो इस प्रकार से यानी जो कार्बनिक यौगिक आपका होगा जिनकी श्रृंखला का होगी खुली होगी, तो इस प्रकार से आपके जो यौगिक होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। बच्चों आपको इसको याद रखना है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों आपका जो एलिफैटिक यौगिक होता है वह आपका केवल सिंगल बॉन्ड से ही नहीं, वह डबल से भी हो सकता है और ट्रिपल से भी हो सकता है। मान लीजिए यदि आपके पास सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी, अब यहां देखिए
अब यहाँ देखिए कार्बन के पास कितना, एक दो तीन चार, इस कार्बन के पास एक दो तीन चार कार्बन है, और यहाँ पे आपका क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, एथेन होता है, एथ होता है, और आपका क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम आयन जोड़ते हैं, इसको हम कह सकते हैं एथाइन भी कह सकते हैं, एथाइन। अब देखिए बच्चों, लेकिन जो आपका यह है वह आपका क्या है, एलिफैटिक यौगिक है, क्यों, क्योंकि यह आप जो है इनकी जो संरचना बनी हुई है वह क्या है, खुली हुई है, तो इस प्रकार से बच्चों जो आपकी संरचना प्राप्त होती है इसे हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक। अब देखिए बच्चों, जो आपका इथिली एथान हमने आपको उसको बताया, यह आपका एसी नाम होता है, लेकिन अगर इसका आप साधारण नाम लिखेंगे जिसको इसका नाम जो होता है वो हो जाता है एसी टी लीन, क्या हो जाता है बच्चों, एसी सिलीन। अब इसको बच्चों हम साधारण रूप से लिख सकते हैं, कितने कार्बन, एक दो कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है, दो, तो सी टू एच टू भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है जो सी टू एच टू होता है वह आपका क्या होता है, एसिटिलीन होता है, लेकिन आपको दिखाना रहेगा तो आप इसी तरह इसके बॉन्ड को दिखाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो कार्बन आपका होता है वह चार बॉन्ड हमेशा बनाता है। तो बच्चों अब देखिए, आपका जो एसिटिलीन है इसकी जो संरचना है ये आपकी इसकी संरचना बनाता है, तो आपसे अगर मान लीजिए बच्चों अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए, क्या दिया जाए, सी एच थ्री एच सेवन है एच एट है, इसकी आप कार्बन मतलब संरचना बनाइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कितने कार्बन दिए गए हैं, तो कार्बनों की संख्या आप लिख लीजिए, कितने हैं तीन, तो पहले आप तीन कार्बन लिखिए, उसके बाद उनको क्या करिए सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, आठ हैं, तो हमको यहाँ पहले देखिए एक दो तीन, एक दो हो गया, यहाँ एक दो तीन, अब सबको एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए, तीन हाइड्रोजन यहाँ हो गया, अब तीन यहाँ पे भी दे दीजिए तीन हाइड्रोजन से, अब यहाँ दो बच्चा तो दो इसको दे दीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो आपका कार्बन होता है वह चारों संयोजकताओं को क्या करता है, हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर लेता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यानी आज जब आपसे एलिफैटिक यौगिक पूछा जाएगा तो वही आप बताएंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन के सभी परमाणु खुली खुली श्रृंखला में सीधी अथवा शाखा युक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। लेकिन अब चलिए हम आते हैं एलिफैटिक एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में बच्चों क्या होता है, इनकी जो श्रृंखला होती है वह आपकी क्या होती है, बंद होती है, क्या होती है बच्चों, बंद होती है। तो आप कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक बंद श्रृंखला या चक्र बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, या उसे हम साइक्लिक श्रृंखला यौगिक भी कह सकते हैं, या उसे हम चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं। तो बच्चों मान लीजिए आपका इस प्रकार से तीन कार्बन है, अगर आपका इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं, या इसी को हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यह आपका क्या बनाता है, साइकिल बनाता है। और देखिए इनकी जो श्रृंखला है पूरी तरीके से क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। अब देखिए बच्चों, कार्बन जो आपका होता है वह कितने बॉन्ड बनाता है, चार, तो यहाँ पर कितना, एक मान लीजिए यहाँ निकाले और एक यहाँ, और यहाँ पर देखिए दो तीन, यहाँ पर एक दो तीन चार, इस कार्बन की जो संयोजकता है पूरी हो गई है। यहाँ पर देखिए इसकी संयोजकता दो, अब यहाँ पे दो और हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों इस कार्बन की जो संयोजकता होती है वह पूरा हो जाता है। और अगर इस कंपाउंड का नाम आप पूछे तो इसका नाम जो बच्चों हो जाता है, आपको ध्यान रखना है जब इस प्रकार से कोई भी आपका कंपाउंड रहेगा जिनकी श्रृंखला बंद रहेगी तो आप यहाँ साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, सबका साइक्लोन। उसके बाद जो आपके कार्बन की संख्या रहेगी उस कार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो बांड रहेगा उसके आधार पर इसका नामकरण कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक दो तीन, तो तीन कार्बन है और सभी किसका बांड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बांड से, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो
प्रोटीन हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों यदि आपके पास चार कार्बन हो और आपस में बंद श्रृंखला का निर्माण करते, मान लीजिए एक कार्बन दो तीन और आपका यह हो गया चार, और इस प्रकार से जुड़े हुए हो। अब देखिए इनकी श्रृंखला को हम क्या करते हैं, जो कार्बन की संयोजकता और उसको हम हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं, एक दो दो बाकी है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए आपका चार बॉन्ड हो गया, अब यहाँ भी कार्बन का चार बॉन्ड बना दीजिए। अब देखिए इसकी भी श्रृंखला जो है आपको किया क्या बंद है, और सभी किससे जुड़े हुए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। तो इस कार्बनिक जो यौगिक का नाम होगा, तो कितने कार्बन है, तो चार कार्बन है, तो चार कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो एन जोड़ दीजिए, और यह बंद श्रृंखला तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो। तो इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो बच्चों इस प्रकार से आपको याद रखना है, मान लीजिए तीन कार्बनिक कार्बन है आपस में बंद श्रृंखला बनाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है साइक्लो प्रोपेन, अगर मान लीजिए चार है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनका जो नाम हो जाएगा, और आपका बंद श्रृंखला बना है तो उनका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, और अगर पांच कार्बन से आपका बना रहे हैं और उनकी श्रृंखला क्या है बंद है तो उनको हम क्या कहेंगे साइक्लो पेंटेन, छह से है तो साइक्लो हेक्सेन, इस प्रकार से उसका नामकरण आपका सकते। अब चलिए बच्चों अब इसके आगे जो आपका होता है, अब जो हमारा साइक्लो यानी साइक्लो यानी जो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको बच्चों दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है हमारा समचक्री और दूसरा होता है विषमचक्री। क्या एक होता है बच्चे हमारा समचक्री यौगिक और जो दूसरा होता है वह होता है हमारा विषमचक्री यौगिक। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं कि समचक्री क्या होता है और विषमचक्री। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि समचक्री जो समचक्री यौगिक होता है उसी को कार्बोचक्री यौगिक भी कहा जाता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि समचक्री यौगिक क्या होता है, देखिए पहले बच्चों बोर्ड पे लिखा गया है उसकी परिभाषा, देखिए क्या कहा जा रहा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला के बनाने में केवल कार्बन परमाणु भाग लेते हैं समचक्री कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए समृद्ध का मतलब होता है बच्चों जो आप केवल बंद श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं समृद्ध श्रृंखला वाले भी यौगिक कहते हैं। तो आपका जो समचक्री कार्बनिक यौगिक बनता है वह केवल किसमें बनता है बच्चों समृद्ध श्रृंखला यानी बंद श्रृंखला वाले यानी एरोमेटिक जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं वही आपके समचक्री यौगिक बनाते हैं। अब देखिए बच्चों आगे क्या कहा जा रहा है, इन यौगिकों के बंद श्रृंखला बनाने में कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भाग नहीं लेता। तो बच्चों आप देखे हैं कि जब आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था उसमें आपका जो बॉन्ड बन रहा था वह कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच, तो आपसे यहाँ कहा गया कि कार्बन के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा तत्व भाग नहीं लेता, यानी हमारा जो समचक्री यौगिक होता है तो वह आपका क्या हो सकता है इस प्रकार से हो सकता है, यानी जो हमारा कार्बन है इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इसके अतिरिक्त और कोई भी दूसरा कोई तत्व नहीं हो सकता। अब बाकी हम क्या करते हैं इनकी संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। प्यार सॉरी बच्चों अब देखिए यहाँ पे जो आपका बांड बना हुआ है वह कार्बन कार्बन के बीच में है, इनके अलावा कोई भी दूसरा तत्व नहीं है। तो आपका जो भी समचक्री यौगिक होगा वह जो है बंद श्रृंखला होगा और उसमें जो भाग लेंगे केवल कौन से तत्व भाग लेंगे कार्बन भाग लेंगे और इनके अतिरिक्त कोई भी दूसरा तत्व भाग नहीं लेगा। लेकिन बच्चों जो हमारा विषमचक्री यौगिक होता है उसमें क्या होता है उसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई और भी दूसरा तत्व भाग ले सकता है, तो उस प्रकार की यौगिक को क्या कहते हैं विषमचक्री यौगिक कहते हैं, या कह सकते हैं आप कि वे यौगिक या वे चक्री यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला बनाने में कार्बन के अतिरिक्त
अन्य तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे बच्चों इसके अंतर्गत आपको आता है पिरिडीन आता है, थायोफिन और फ्यूरान। तो चलिए हम बताते हैं कि इनकी आपकी जो संरचना होती है वह किस प्रकार से होती है, पिरिडीन की संरचना और थायोफिन की और फ्यूरान की। देखिए बच्चों आपका जो कार्बन होता है, अगर यही कार्बन चार कार्बन पांच, यानी आपका पांच कार्बन और यहां से आपका नाइट्रोजन जुटा होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है वह पूरा नहीं है, तो हम क्या करते हैं अल्टरनेट कलम में क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी कार्बन की संयोजकता पूरा नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं उनके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन बांध था, एक यहाँ लग गया चार, और यहाँ पे देखिए एक दो तीन बांध, एक और हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे एक दो तीन, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो हमारा होता है बच्चों ये आपका तीन ही बांध बनाता है। तो देखिए बच्चों हर जगह हमारा जो कार्बन है उसकी वह कितने बांध बना रहा है, चार बांध बना रहा है, और जो हमारा नाइट्रोजन है तीन बांध। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों यह आपका होता है थ्री डी, किसका होता है बच्चों पिरिडीन का। तो बच्चों आपको याद रखना है यदि आपके पास पांच कार्बन हो और उनसे आपका क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो, तो उनको जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार से यदि आपके पास चार कार्बन, कितने कार्बन हो चार कार्बन हो और उनसे आपका क्या जुटा हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो बच्चे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वह कितने बांध बनाता है, केवल दो। तो देखिए बच्चों एक दो इसकी बैलेंसी पूरा कार्बन जो होता है हमारा चार, तो यहाँ पे अगर हम डबल बांध लगा देते हैं और इनकी संयोजकता को हाइड्रोजन से हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से भी हमारा बांध बनेगा तभी हमारा क्या बनेगा, एरोमेटिक यौगिक बनेगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों एक दो तीन यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन, या आप चाहें बच्चे इसको ऊपर भी लगा दें या कहीं भी लगाएं, इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर हमारा कार्बन कितना है, तीन है, चार हो जाएगा, यहाँ से लगा देते हैं। तो यह जो आपकी आकृति होती है बच्चों वह आपका होता है फ्यूरीन, इसका होता है फ्यूरीन, यानी फ्यूरीन की जो आकृति होती है बच्चों इसमें आपका चार कार्बन होता है और उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और जो हमारे कार्बन होते हैं दो कार्बनों के बीच क्या होता है, चार कार्बन उनके बीच डबल बांड भी दबाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए बच्चों आपका क्या हो गया, पिरिडीन हो गया, फ्यूरीन हो गया, और एक को आपको बताया गया फ्यूरीन, अब एक बताया गया था बच्चों आपको थायोफिन। तो बच्चों जो थायोफिन होता है अगर इसी कार्बन यहाँ ऑक्सीजन के स्थान पर हमारा क्या लग जाता है, यस लग जाता है, तो वह हो जाता है थायोफिन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन यहाँ एच लगा दीजिए और यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड, और इससे हम क्या जोड़ देते हैं सल्फर। तो यहाँ आपकी जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, थायोफिन कहते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, यह किस प्रकार का यौगिक है, आपका एक विषम चक्रीय यौगिक है। क्यों विषम चक्रीय यौगिक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ किसके साथ कार्बन के अतिरिक्त एक तत्व नाइट्रोजन भी आया होगा, और यहाँ देखिए इसमें देखते हैं फ्यूरान में, तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी आया है कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन तो आया है उसके साथ ऑक्सीजन भी, यहाँ हमारा सल्फर आया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो बंध श्रृंखला बना है वह कार्बन से नहीं बल्कि उनके अतिरिक्त भी कोई तत्व आए हैं। तो इस प्रकार की यौगिक को हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक, क्योंकि आपको बताया गया है कि आप जब कोई समृद्ध श्रृंखला बने उसमें केवल उसमें कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई और भी दूसरा तत्व भाग लेता है उनसे जो हमारा कार्बनिक यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम चक्रीय कहते हैं। और अगर हमारा जो केवल कार्बन ही बनता है, कार्बन कार्बन के बीच हमारा बांड बनता है और उनमें कोई भी दूसरा तत्व भाग नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, समचक्रीय कहते हैं। तो बच्चों समचक्रीय के अंतर्गत आपको क्या आ जाएंगे, साइक्लोप्रोपेन आ जाएंगे, साइक्लोब्यूटेन आ जाएंगे, साइक्लोप
पेंटेन आ जाएंगे। लेकिन आपका जो विषम चक्रीय यौगिक होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, पिरिडीन आता है, प्यूरीन आता है और आपका थायोफिन आता है। तो बस बच्चों आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।